गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी चल रही होगी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैरों में हो रहे ऐसे बदलावों के बारे में जिनसे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को ही कंसीव किया है। दोस्तों, ये जो सारे लक्षण आप लोगों को बताऊंगी, बुजुर्ग महिलाओं के आधार पर आप लोगों को बताने वाली हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि इनमें से कितने सिम्टम मेरे साथ सही थे, क्या मेरे साथ सारे सिम्टम सही थे पैरों में, जो जो लड़का होने के संकेत होते हैं क्या वो सारे मेरे अंदर थे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि बुजुर्ग महिलाओं का कहना होता है, वो कभी कभी सही हो भी जाता है और कभी कभी गलत भी साबित हो जाता है, क्योंकि वो जो उन्होंने देखा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें दिखाई दिया है, यानी कि उन्होंने बहुत सारी लेडीज़ों का उनका जो तजुर्बा होता है ना, उनकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, वो नोटिस करती हैं सारी महिलाओं को जो भी प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्होंने जो ज़्यादातर देखा होता है वो उसी के बारे में बताती हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे भी कई सारी चीज़ें बताई गई थी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ पैरों वाली चीज़ें शेयर करूँगी कि क्या बुजुर्ग महिलाओं का कहना होता है और वो मेरे साथ सही था या फिर नहीं था। तो पहला लक्षण है, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होगा ना, तो आपको आपके जो पैर हैं बहुत ज़्यादा ठंडे नज़र आएंगे, आपको ठंडे फील होंगे, यानी कि अगर आप उनमें कितना ही जैसे कि गर्म चीज़ें ओढ़ लेती हैं ना, कंबल वगैरह ओढ़ती हैं, तब भी आपके पैर गर्म नहीं होंगे, और गर्म हुए भी तो थोड़ी टाइम के बाद वो फिर से ठंडे होने लगते हैं, उनमें पूरी तरह से गर्माहट नहीं रहती। अगर ये लक्षण आप में है तो दोस्तों ये काफ़ी हद तक सही माना जाता है बुजुर्ग महिलाओं के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग ये काफ़ी हद तक सही माना जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये सिम्टम भी मेरे अंदर था, मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा ठंडे हुआ करते थे, फिर मैं उनमें सरसों के तेल से मालिश करती थी, जो कि वो लक्षण बताती थी उसका वो सॉल्यूशन भी बताती थी। तो उन्होंने कहा कि सरसों के तेल से मालिश करो, हल्के हल्के मसाज करो, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो वही मैं करती थी और मुझे काफ़ी हद तक इससे मुझे कई सारे बेनिफिट मिलते थे, जैसे कि मुझे नींद भी अच्छी आ जाया करती थी, उसमें हल्की सी मालिश हो जाती थी ना तो फ्रेश फील होता था। तो ये सिम्टम एक पहले अंदर मेरे साथ बिल्कुल 100% सही साबित होता। फिर हम दूसरे लक्षण की बात करें तो वो है, अगर आपकी कोख में लड़का पल रहा होगा ना, तो आपके पैरों में अनचाहे बाल आ जाते हैं। अनचाहे बाल इन द सेंस कि जो पैरों में बालों की ग्रोथ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जनरली लड़कियों के पैरों में बाल इतने नहीं होते हैं, और अगर आपकी प्रेगनेंसी से पहले बाल नहीं थे, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होगा तो आपके पैर जरूर आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर पैरों में बाल नहीं आए तो आपको लड़की होने वाली है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बाल आते हैं तो भी लड़का होता है और बाल नहीं आते तो भी लड़का हो जाता है। लेकिन अगर आपको पहले बाल नहीं थे और प्रेगनेंसी के दौरान बाल आ चुके हैं पैरों में, तो ये काफ़ी सटीक लक्षण माना जाता है लड़का होने का बुजुर्ग महिलाओं के अनुसार, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो यानी कि वो मेल है और आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तो लड़कों के शरीर में आपने देखा होगा कि बालों की ग्रोथ लड़कियों के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, और लड़कियों के मुलायम से बाल होते हैं लेकिन लड़कों के थोड़े से हार्ड होते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है क्योंकि आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। फिर जो तीसरा लक्षण उन्होंने मुझे बताया था वो था कि आपके जो पैर हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान पैर फटने की बहुत सारी महिलाओं में समस्या होती है कि पैर फटने लगते हैं, पहले इतने नहीं फटते थे लेकिन बाद में फटने लगते हैं। तो मेरे अंदर ही क्या था दोस्तों, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि यानी कि मेरे पैरों में ना दोनों एड़ियाँ नहीं फटती थी मेरी, रुके सूखे से पैर हो जाया करते थे और दोनों एड़ियाँ नहीं फटती थी मेरी, सिर्फ एक एड़ी फटी थी, और मेरे कभी इतने पैर फटे नहीं हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पैर भी फटते थे। तो यही देखकर उन्होंने मुझे बताया था कि ये तो लड़का होने का संकेत है। तो उसमें मैं बोरोप्लस वगैरह लगाकर जब मैं सोया करती थी तो ठीक हो जाते थे, और फिर ऐसा होता था कि रेगुलर नहीं हो पाता था, कभी लगाया कभी नहीं लगाया, ऐसा नहीं कि रोज़ नाइट में लगा कर सो ही रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इतनी सारी चीज़ें करनी होती तो पैरों की देखभाल कौन ही करेगा। तो मेरे साथ ही था ऐसा, तो मैंने नहीं करती थी, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर से फट जाया करते थे। तो तीसरा लक्षण भी मेरे अंदर था। फिर चौथा लक्षण जो उन्होंने मुझे बताया था, जो कि है दोस्तों पैरों में स्वेलिंग, अगर आपके पैरों में भी स्वेलिंग रहती है तो ये काफ़ी सटीक लक्षण माना जाता है बेटा होने का, और मेरे अंदर भी थी, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो सो स्वेलिंग का कारण दूसरा भी हो सकता है, जैसे कि आप पानी कम पीती हो,
आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, है ना, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैरों को लटका कर बैठती हों, या फिर बहुत देर तक खड़े होकर काम करती हों, तो इन सारे कारणों से भी आपको पैरों में स्वेलिंग हो सकती है ना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप इतना ज़्यादा खड़ी नहीं रहती हो, इतना ज़्यादा पैर को लटकाती नहीं हो, रेस्ट के टाइम पे रेस्ट और वॉकिंग वगैरह भी करती हो, तब भी अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है, तो ये लक्षण माना जाता है गर्भ में लड़का होने का। बुजुर्ग महिलाओं के अनुसार ये गर्भ में लड़का होने की बहुत ठोस निशानी होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पैरों में भी स्वेलिंग थी, लेकिन मुझ में हीमोग्लोबिन की कमी थी, तो हो सकता है इसके कारण भी मुझे ये प्रॉब्लम रही हो। लेकिन जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो ये लक्षण मेरे अंदर था। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि जो मेरी एक जानकारी में एक हैं जिनको दो बेटियां हुई है, और दोनों बेटी के टाइम पर उनको पैरों में स्वेलिंग थी, उनके भी पैरों में स्वेलिंग थी, उन्हें बेटी हुई, मेरे भी पैरों में स्वेलिंग थी, मुझे भी बेटी हुई, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा सही होता होगा। आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, इस वजह से आपको ये कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और एक और चीज़ है दोस्तों, आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान आपको उस कारण का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि ये तो लड़का होने की निशानी है, ये तो लड़की होने की निशानी है, तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी वही छोटी सी चीज़ ना बहुत बड़ा कारण बन जाती है आपकी प्रॉब्लम का, तो आप समय रहते उसे ठीक कर सकते हैं। आपको इस टाइप की वीडियोस देखना है, देखिए, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना है कि आपको आपकी बॉडी में कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वो ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही हो, पैरों में अगर दर्द हो रहा हो, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि वो नॉर्मल है या नहीं, अगर नॉर्मल होगा तो वो बोल देंगे कि नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं हुआ तो फिर आपका वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है। तो अब नेक्स्ट सिम्टम की मैं बात करूँ तो वो है दोस्तों, अगर आपके पैरों में ऐंठन रहती हो, पैर सुन्न रह जाते हो, आपका राइट पैर ज़्यादा दर्द करता हो, वैसे तो लेफ्ट और राइट दोनों पैरों में दर्द होता है प्रेगनेंसी के दौरान, कभी कभी किसी को राइट में होता है तो किसी को लेफ्ट में होता है, तो हम इससे तो जेंडर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा काम करने भी इसका कारण होता है कि खड़े होकर कभी काम कर लेते हैं, तो ये भी इस वजह से भी आपको पैरों में ऐंठन रहती है, और ये प्रेगनेंसी का एक साइन भी होता है, प्रेगनेंसी का हेल्थी प्रेगनेंसी का एक साइन होता है। अगर आपके पैरों में दर्द है, ऐंठन है, सुन्न हो जाते हैं, तो ये लड़का होने का संकेत माना जाता है बुजुर्ग महिलाओं के अनुसार। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम मेरे अंदर थे और मुझे बेबी बॉय हुआ। आपके अंदर कितने सिम्टम्स थे हैं और आपको कितने सही लगते हैं, और आपको बुजुर्ग महिलाओं में कितनी सच्चाई लगती है, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आपके बच्चे का भी ख्याल रखिए।